बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हमारे समाज में कुत्ते को लेकर कई तरह की मान्यताएं मौजूद हैं। कभी कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि इनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता चल जाता है, तो कभी कहा जाता है कि यह कई ग्रहों के दोषों को दूर कर सकते हैं, इसलिए इनको रोटी में थोड़ा सा तेल लगाकर खिलाना चाहिए, जिसे चुपड़ी रोटी कहते हैं। कुछ जगहों पर तो कुत्ते के मंदिर भी बने हुए हैं जहां उनकी पूजा भी की जाती है। आखिर हमारे समाज और धर्म में कुत्ते को इतना महत्व क्यों दिया गया है, इस बारे में आपने कभी सोचा है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि उनके बारे में कुछ रोचक बातें। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कुत्ता ऐसा जीव है जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य के साथ रहा है, इसलिए इन पर अध्ययन भी खूब किया गया है। धार्मिक पुस्तकों में कुत्ते को लेकर कई तरह की कथाओं का वर्णन भी मिलता है, जिससे कुत्ते का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुत्ते को कई देवताओं के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कथा भी मिलती है कि भगवान शिव ने कुत्ते की प्रार्थना पर उसे ब्रह्मज्ञान पाने का आशीर्वाद दिया था। वह कुत्ता ब्रह्मज्ञान पाकर बाद में भगवान भैरव, जो शिव के ही अंश माने जाते हैं, उनका वाहन बन गया। इसलिए कहते हैं कि काले कुत्ते के साथ भगवान भैरव भी होते हैं और इन्हें रोटी और भोजन देने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कुत्ते को शनिदेव के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। शनिदेव के अनेक वाहनों में से एक वाहन कुत्ता भी बताया गया है, जो काले रंग का होता है। शनि चालीसा में बताया गया है कि जब शनिदेव कुत्ते पर सवार होकर किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं या सपने में शनिदेव कुत्ते पर सवार दिखते हैं, तो वह चोरी और भारी नुकसान का संकेत होता है। इसलिए शनिदेव अपने वाहन को भोजन कराने वाले के कष्ट को कम कर देते हैं और नुकसान से बचा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुत्ते को चुपड़ी रोटी खिलाना चाहिए, शनि से संबंधित दान उपदान करना चाहिए, जिससे शनि अनुकूल हो सके। कुत्ते का संबंध भगवान दत्तात्रेय से भी बताया गया है। भगवान दत्तात्रेय के साथ तस्वीरों और मूर्तियों में चार कुत्ते को दिखाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यह कुत्ता नहीं है बल्कि चार वेद हैं, जो भगवान दत्तात्रेय के साथ कलयुग में सदैव साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने वेदों को उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। क्योंकि कलयुग में वेदों के लोप हो जाने का भय था। एक और कथा कुत्ते को लेकर महाभारत में मिलती है कि स्वयं यमराज ने कुत्ते का रूप धारण करके पांडवों के सत्य धर्म की परीक्षा ली थी और इस परीक्षा में केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफल हो पाए थे। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एकमात्र कुत्ता ही दिव्य विमान में बैठकर सशरीर स्वर्ग जा सका था। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।